हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं संतोष आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर का स्वागत करता हूं। आज का विषय वस्तु है क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन पार्ट 2। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले से ही मैंने दे दिया था और बाकी का जो था वो मैं पार्ट 2 में दे रहा हूं। तो इस पार्ट 2 का मेन कंटेंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन। तो ये है पार्ट 2 का मेन कंटेंट। तो ये मेन कंटेंट को कंटेंट के ऊपर जाने से पहले, अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आप हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन अप टू डेट पा सके। तो चलते हैं विषय वस्तु के ऊपर। तो आज का विषय वस्तु का पहला पार्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि मोशन दो तरीके की होती है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विच सेज दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। और उसका पहला पार्ट है ये देखिए, उसका ये आएगा यूनिफॉर्म मोशन का। नीचे जो एक्स एक्सिस में है ये वाला है टाइम एक्सिस यानी टी, और ये डिस्टेंस एक्सिस मनी एस, और डी भी हम लिख सकते हैं। तो ये है डिटीग्राफ। इस डिटीग्राफ में हम यूनिफॉर्म मोशन को शो करेंगे। तो इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल टाइम टेकन, यानी उसका एक लाइन स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर उसी हिसाब में देखेंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समय के हिसाब से ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। तो इसीलिए उसका जो ग्राफ आएगा ये टी और ये डी लेंगे, ये डीटी ग्राफ में वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो थोड़ा सा कर्व आएगा। ऐसे कर्व आने पर हम उसको जान सकते हैं कि ये वाला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे यूनिफॉर्म मोशन और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको ग्राफिकली देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और उसी मोशन यूनिफॉर्म मोशन को हम यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी डिस्टेंस और टाइम के ऊपर गया है। तो इसलिए हम उनको क्या कह सकते हैं, ये वाला देखिए यूनिफॉर्म जो मोशन लिखा है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखा है, हम मोशन की जगह स्पीड भी यूज़ कर सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि बोथ आर रिप्रेजेंटेड इन डीटी ग्राफ। ये वाला है डी और ये है टी, डी मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम। तो डीटी ग्राफ में जो भी रिप्रेजेंट होगा हम यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं और यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पीड डिपेंड करता है समय के ऊपर। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब समय के हिसाब से उसका स्पीड इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए डिस्टेंस जितना बढ़ेगा टाइम उतना बढ़ेगा, डिस्टेंस जितना कमेगा टाइम उतना कमेगा। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का होगा। और उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या होगा ना, कर्व लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा तो यूनिफॉर्म स्पीड, और ये कर्व लाइन आएगा तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो उसके बाद आता है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड क्या होता है ना, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड क्या है। नीचे देखिए क्या लिखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन और उनको हम कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। ये वाला है वीटी ग्राफ मतलब ये भी और ये टी। वीटी ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम उसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर
एक टाइम दिया है, टाइम जितना भी बढ़ेगा लेकिन स्पीड एक ही रहेगा। यहाँ पर लिखा है 40, 40 स्पीड में एक कार और एक बाइक चलता है, लेकिन टाइम जितना जहाँ पर भी देखो उतना ही स्पीड, उसको बोलते हैं कंस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। तो ये कंस्टेंट स्पीड है, तो ये कंस्टेंट स्पीड है। तो उसके बाद आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज इट्स एक्सीलरेशन। वेलोसिटी और टाइम, ये दोनों के ऊपर जो डिपेंड करता है उसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो ये एक्सीलरेशन हम डीटी ग्राफ में शो नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, तो इसीलिए हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिया है एक वी ग्राफ और ये टी एक्सिस। तो वी टी एक्सिस पर वी टी ग्राफ में हम आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिखाएंगे और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी दिखाएंगे। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यहाँ पर देखिए, समय के हिसाब से वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। समय जितना ज़्यादा होता है वेलोसिटी उतना ज़्यादा इंक्रीज करता है, और वेलोसिटी सॉरी टाइम जितना डिक्रीज करता है और वेलोसिटी उतना भी डिक्रीज करता है, दोनों की तरफ से वो सही है। वेलोसिटी इंक्रीज, टाइम इंक्रीज, टाइम इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज। तो जितना ये वाला है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्योंकि समय के हिसाब से वेलोसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज ही करता है। उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये वाला है, यहाँ पर है वी ग्राफ और ए टी ग्राफ, ये वाला है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में टाइम के हिसाब से वेलोसिटी ऊपर नीचा, ऊपर नीचा, ऊपर नीचा ऐसे होता है। तो इसीलिए वेलोसिटी कम और ज़्यादा होने के कारण ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जाता है। लेकिन यहाँ पर और एक दिया है वी ग्राफ और टी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन। आपको पढ़ाया था कि नेगेटिव एक्सीलरेशन यानी रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बाय एक्सीलरेटेड फ्रॉम ए मोशन टू ए रेस्ट ऑब्जेक्ट और ए हायर वेलोसिटी टू ए रेस्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर आया है नेगेटिव एक्सीलरेशन यानी रिटार्डेशन, वो भी एक कंस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की एक एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, तो इसलिए नेगेटिव एक्सीलरेशन यानी रिटार्डेशन उसको हम कहते हैं। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सीलरेशन। और उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इस पार्ट का मेन थीम है, जिसके ऊपर मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है, तो वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन तीन है, एक है वी, फर्स्ट इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन वी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये वाला आपके बुक में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके आपको दिखाएंगे और उसके बाद ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट वाला देखिए, ये वाला वी इजिकल टू यू प्लस ए टी कैसे आता है, आपको प्रूफ कैसे करना है। तो फर्स्ट वाला है अकॉर्डिंग टू एक्सीलरेशन, अकॉर्डिंग टू एक्सीलरेशन ए इजिकल टू चेंज इन वेलोसिटी मानी वी माइनस यू बाय टी। तो इसी इक्वेशन में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये वाला हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा वी माइनस यू। तो उस साइड में यू ला दे, तो वी हो जाएगा वी इजिकल टू यू प्लस 80। तो यहाँ पर ये वेक्टर साइन यानी एरो मार्क, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप एक्सीलरेशन की फार्मूला से ये फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ, अच्छी तरह से देखिए। अकॉर्डिंग टू एक्सीलरेशन
ए इज इक्वल टू फार्मूला है एक्सीलरेशन का है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यानी चेंज इन वेलोसिटी मतलब वी माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टी। तो आप उनको वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 80 इज इक्वल टू वी माइनस यू और वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। सेकेंड में आता है यहाँ पर देखिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर लेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो यहाँ पर जो वी है ये एवरेज वेलोसिटी है और उसका फॉर्मूला है यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू इंटू ये वाला है टी। तो उसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा यू टी प्लस वी टी होल डिवाइडेड बाय टू। तो हमारे इक्वेशन में भी का वैल्यू नहीं है तो इस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर है जहाँ पर भी नहीं है, तो इसीलिए हम भी की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन में जो है भी का वैल्यू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर हाफ 80 वहाँ पर भी की जगह यू प्लस 80 यूज़ कर देते हैं यू प्लस 80 और उसके बाद है टी होल डिवाइडेड बाय टू। तो इससे उसके बाद आता है एस इजिकल टू मल्टीप्लाई कर दे तो यू टी प्लस 80 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टू और उसके बाद आता है टू यू टी प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू और उसको थोड़ा सा डिवाइड कर दे तो टू यू टी डिवाइडेड बाय टू प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यू टी, तो बचेगा ये यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो एस इजिकल टू क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन का भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये लास्ट में आता है थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। उसका मैथमेटिकल प्रूफ कैसा होता है, वहीं जहाँ पर हम एस लेते थे एस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो यहाँ पर भी वही है डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला एस इजिकल टू वी इंटू टी और वी का जगह से हम क्या यूज कर सकते हैं ना यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टू क्योंकि ये है एवरेज वेलोसिटी तो इसके जगह ये और ये टाइम की जगह हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है तो इसीलिए टाइम की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन में जो है उसका वैल्यू वी माइनस यू होल डिवाइडेड बाई ए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यू प्लस वी यानी वी प्लस यू पर वी माइनस यू होल डिवाइडेड बाई टू ए। तो यहाँ पर है ए प्लस वी और ए माइनस वी का फार्मूला यानी ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए। ये किसका फार्मूला है एस का, तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसका हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस और वी स्क्वायर रखते हैं लेफ्ट साइड में तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहाँ पर हो जाएगा ये टू ए एस। ये है थर्ड इक्वेशन का प्रूफ।
इसी तरह से हम ये तीनों इक्वेशन को मैथमेटिकल प्रूव कर सकते हैं, जो कि हमारे बुक में प्रूफ नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए। तो उसके बाद आता है लास्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। जो इक्वेशन हम तीनों पढ़े, जो तीन इक्वेशन है उसको हम ग्राफिकल कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए आप इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी का एक इक्वेशन दिया है, यहाँ पर ये देखिए, ये वाला है टाइम एक्सिस टी और ये वेलोसिटी एक्सिस भी। यहाँ पर ओ ए, ये वाला है इनिशियल वेलोसिटी यू। यहाँ से एक लाइन शुरू हुआ है यहाँ पर, जो कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव करता है, जहाँ पर ये वाला हो जाएगा भी फाइनल वेलोसिटी भी, यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला है टाइम एक्सिस, तो यहाँ पर ये जो है ये वाला है टाइम एक्सिस टी। तो इसी को लेकर हम ग्राफिकली प्रूव कर सकते हैं तीनों इक्वेशन। ये वाला है फर्स्ट इक्वेशन, कैसे प्रूफ है देखिए। यहाँ पर लेट अस ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी फ्रॉम द ग्राफ, वी ऑब्जर्व दैट बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। यहाँ पर बी डी इज इक्वल, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी और डी सी। तो ये वाला है एक्सीलरेशन, यहीं से देखिए, जिसका है एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक गया है, ए से बी तक, तो इसका से वेलोसिटी है बी डी, यहाँ से बी डी तक, और बी डी बाई ये वाला है टाइम एक्सिस ए डी। तो बी डी बाई ए डी, तो बी डी का वैल्यू है बी सी माइनस सी डी होल डिवाइडेड बाई ए डी का वही है टी। तो और ये ए डी भी हम पहले लिख सकते हैं, उसके बाद यूज़ करेंगे। तो ये वाला है बी डी बाई टी, यानी बी डी का है बी सी माइनस सी डी, यानी वी माइनस यू होल डिवाइडेड बाई टी। ये किसका है ना, एक्सीलरेशन का। तो उसी से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और पाया जाएंगे कि वी माइनस यू इजिकल टू ए टी और वी इजिकल टू यू प्लस ए टी। ये हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन प्रूफ्स। तो कहाँ से है ना, एक्सीलरेशन इसी ग्राफ को देखकर एक्सीलरेशन को बनाना है। एक्सीलरेशन इजिकल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी मतलब बी डी और टाइम टेकन है ए डी। तो बी डी से कैसे पता चलता है ना, बी सी माइनस सी डी बाय ए डी। बी सी का वैल्यू है वी और सी डी का वैल्यू है वी ए सॉरी यू माइनस टाइम टेकन टी। तो इसी तरह से ये वाला ही प्रूफ हो जाएगा। और नेक्स्ट में आता है सेकेंड इक्वेशन। ये सेकेंड इक्वेशन में वैसे ही है, यहाँ पर हम डिस्टेंस लिए हैं एस इजिकल टू, ये वाला है एरिया ओ ए बी सी, जहाँ पर यहाँ पर देखिए ओ ए बी सी, ये टोटल है एरिया टू डिस्टेंस ट्रेवल। तो ओ ए बी सी टोटल डिस्टेंस कैसे होगा, यहाँ पर हम दो तरीके के बांध देंगे, एक है रेक्टेंगल और दूसरा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। रेक्टेंगल है ओ ए डी सी एंड ए ट्रायंगल है ए बी डी। तो दोनों का एरिया कैसे निकालेंगे, पहला वाला है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कहाँ पर है, ए डी मतलब ओ ए इंटू ओ सी, और उसके बाद है ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी तरह से ये दोनों को एरिया निकाल लेंगे, तो ओ ए का वैल्यू है यू, ओ ए का वैल्यू है यू, और ओ सी का वैल्यू है टी, और ए डी का वैल्यू है टी, और बी डी का वैल्यू है बी सी माइनस सी डी, यानी वी माइनस यू। तो उसी तरह से एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। तो एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे वो प्रूफ हो जाएगा। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रूफ्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो लास्ट में आता है थर्ड इक्वेशन, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस। तो यहाँ पर भी वही ग्राफ है, एक ही ग्राफ, और यहाँ पर इक्वेशन थोड़ा सा अलग है।
यहाँ पर आपको निकालना है एस इजिकल टू डिस्टेंस इजिकल टू एरिया ऑफ ट्रापिजियम ओ ए बी सी। वहीं पर ओ ए बी सी है लेकिन वो एक ट्रापिजियम की एरिया वहाँ पर पड़ेगा, और ट्रापिजियम का एरिया है हाफ होल इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड से ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये थर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपको क्या निकलना है ना, एरिया ऑफ ट्रापिजियम मैंने ओ ए बी सी। तो ओ ए बी सी में हाफ एरिया ऑफ ट्रापिजियम का फॉर्मूला है हाफ होल इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पर पैरेलल साइड से ओ ए और दूसरा साइड है बी सी, तो उन दोनों को मिला देना और उस साइड का हाइट है ओ सी। तो हाफ होल इंटू ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी, तो इसलिए उसका हो जाएगा यू प्लस बी इंटू टी डिवाइडेड बाई टू, जिसका वैल्यू हम पुट कर देंगे क्योंकि उसका वैल्यू है यू और इसका वैल्यू है भी और ये वैल्यू का वैल्यू है टी डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ पर जो टी है, टी से हम उसका वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में निकल सकते हैं, टी इजकल टू वी माइनस यू बाई ए। तो उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो एस इजकल टू वी यू वी प्लस यू और वी माइनस यू बाई टू ए हो जाएगा। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू ए इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का प्रूफ, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रूफ्स। तो इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को प्रूफ करने के लिए आपको ये ग्राफ को याद रखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से कहाँ पर किसका एरिया निकालना है। फर्स्ट वाला में फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम ए बी डी का एरिया निकालना है और सेकेंड इक्वेशन के लिए हम ओ ए बी सी यानी उसको दो तरीके से बांट देंगे, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। और थर्ड इक्वेशन के लिए हम ओ ए बी सी ट्रापिजियम का एरिया निकालना है। तो इसी तरह से हम तीनों का प्रूव कर सकते हैं। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके लास्ट वाला आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किससे कहेंगे ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव्स ना करे के सर्कल के हिसाब से मूव्स करेंगे, मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज यूनिफॉर्म, अनदर इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है ना, होए ना ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल रोटेशन इन यूनिट टाइम। अगर एक ही समय में एक ऑब्जेक्ट जितना रोटेशन करता है, जिस भी समय उसका रोटेशन निकालेंगे सब भी समय में रोटेशन सेम ही आएगा, तो उसी ऑब्जेक्ट को मोशन को ऑब्जेक्ट की मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए क्लॉक है, क्लॉक में आप आवर हैंड ले सकते हैं, मिनट हैंड ले सकते हैं और सेकंड हैंड, वो समय के हिसाब से सब जगह एक ही तरीके से जाता है। दूसरा वाला आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल रोटेशन इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर एक ही समय में ऑब्जेक्ट किसी कहा एक जगह पांच रोटेशन करता है तो दूसरी एक सेकंड में दस और तीसरी एक सेकंड में सात, ऐसे करके अगर मूव्स करेगा तो हम उसी मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो ये था आज का टॉपिक का मेन कंटेंट। अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो ये थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।